नमस्कार। इस कोरोना काल के घड़ी में बिहार में राजनीति उठा पटक भी बड़े ही तेज गति से चल रही है। बिहार में पप्पू प्रकरण नीतीश कुमार का नींद को उड़ा दिया। पप्पू यादव के समर्थन में बिहार के हर जिले से समर्थक उठ खड़े हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के MLC रजनीश कुमार ने भी पप्पू यादव का समर्थन किया। यही नहीं, जदयू के नेताओं ने भी पप्पू यादव का समर्थन किया। साथ ही साथ जदयू भाजपा सरकार के सहयोगी रहे VIP के मुकेश सहनी और हम के जीतन राम मांझी ने भी पप्पू यादव का समर्थन किया और पप्पू यादव के द्वारा जनता का सेवा किए जाने के कार्य का सराहना किया। अब जदयू के विधायक गोपाल मंडल, नौगछिया के गोपाल मंडल भी नाराज है नीतीश कुमार से। यही नहीं, अन्य जदयू के विधायक नाराज है नीतीश कुमार से। भाजपा के नेतागण नाराज हैं। संजय जायसवाल ने भी कई बार उंगली उठाया, रजनीश कुमार ने भी विरोध किया। साथ ही साथ हम और VIP के मुकेश सहनी ने भी बिहार सरकार के मनमानी का विरोध किया। नीतीश कुमार के मनमानी और नीतीश कुमार की हैकड़ीपूर्ण शासन से अब उब चुके हैं सत्ता पक्ष के लोग। भारतीय जनता पार्टी इस असमंजस में है कि इस कोरोना काल के बाद नीतीश कुमार को हटाकर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी, हम और VIP के अंदर में यह खलबली है कि नीतीश कुमार के काम सही नहीं है, नीतीश कुमार मनमानी करते हैं, नीतीश कुमार अपने सर पर सरकार चलाते हैं और आम जनता इस सरकार में त्रस्त है, त्राहिमाम है और मर रही है जनता, और जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। इस कोरोना काल में जो जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, डॉक्टरों द्वारा, अस्पताल कर्मियों द्वारा, पुलिस के द्वारा, इससे साफ अब जनता का मोह नीतीश कुमार से भंग होने लगा। यह बात पार्टी के अन्य घटक दल भी समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार के मनमानी पूर्ण रवैये के कारण अब आम जनता सरकार के काम से नाराज हो रही है। आम जनता नीतीश सरकार से दूर होती जा रही है और जनता का सेवा करने वाले, कोरोना काल में मरीजों की सेवा करने वाले पप्पू यादव को जेल भेज दिए जाने के बाद बिहार सरकार की साख बहुत तेजी से गिरी है। बिहार सरकार पर उंगली उठने लगी है कि पप्पू यादव के बढ़ते प्रभाव और सरकार के गलत नीति, सरकार के कमियों को उजागर करने के कारण पप्पू यादव को जेल भेजा गया। जो पप्पू यादव आम लोगों को ऑक्सीजन, दवा, खाना, बेड आदि उपलब्ध कराते थे, वो पप्पू यादव आज जेल के सलाखों के पीछे भेज दिए गए। इस निर्दयतापूर्ण कार्य नीतीश कुमार के लिए गला का घेग बन चुका है। नीतीश कुमार की चारों ओर किरकिरी हो रही है। आम जनता नीतीश कुमार के इस कार्य से काफी नाराज है। यही नहीं, भीतर भीतर भारतीय जनता पार्टी भी यह समझ रही है कि नीतीश कुमार का यह कदम गलत कदम है, जिससे भाजपा सरकार की साख गिरती जा रही है। VIP और मुकेश सहनी और हम के जीतन राम मांझी ने तो स्पष्ट रूप से खुलकर कह दिया। भाजपा के MLC, जदयू के MLA ने खुलकर पप्पू यादव का समर्थन किया और पप्पू यादव के समर्थन में
बिहार की जनता उतर चुकी है। ऐसा सूत्र के हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद नीतीश कुमार की सरकार गिरनी तय है, क्योंकि नीतीश कुमार के जदयू के आधे से अधिक एमएलए भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में है, जो कभी भी जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर या तो भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे या जदयू में विलय करेंगे। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी और हम के जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी नाराजगी है और नीतीश कुमार के मनमानी पूर्ण रवैये का विरोध सब मिलकर भीतर भीतर कर रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल के घड़ी में चुप है और इस कोरोना के खत्म होते ही बिहार के राजनीति में उथल पुथल और उलट फेर होना तय माना जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।